बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पुनरावृत्ति करा रही हूँ कक्षा 6 के विद्यार्थियों को पाठ 8 का ऐसे ऐसे, जो कि एक छोटी सी एकांकी है विष्णु प्रभाकर जी की, तो जिसको कि मैंने थोड़ा सा आपको समझा भी दिया है, कुछ अंश मैंने आपको समझा दिए हैं। और बच्चे प्रायः इस तरह की चीज़ों को प्रयोग में लाते हैं अपनी कमी छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को किसी को ना पता चले उसके लिए बहुत तरह के बहाने बनाते हैं। और इन बहानों का असर ये होता है कि माँ बाप अपने बच्चे के प्रेम में ये जानते हैं, उन सारी चीजों को सही मान लेते हैं, उसके पीछे उन्हें तकलीफें उठानी पड़ती है, उसके पीछे उन्हें कष्ट उठाना पड़ता है। वे इसमें भी मोहन ऐसा ही एक लड़का है जो एक ऐसी बीमारी, जो पाठ का शीर्षक है, उसके चलते ऐसे ऐसे बच्चा है। बहुत सफाई से झूठ बोलना जानता भी नहीं है, बस अपनी कमी को छुपाने के लिए, स्कूल का काम न कर पाने के लिए, तमाम तरह की गलतियों को छुपाने के लिए नए नए बहाने करके वो उसने अपने बीमारी का नाम ऐसे ऐसे रख दिया, क्योंकि वो जानता था कि अगर कोई अलग चीज कहेगा, पेट में दर्द है, सर दर्द है, तो उसे उस चीज की दवा खिलाई जा सकती है, और अगर वो ऐसे ऐसे कहेगा तो लोग समझ नहीं पाएंगे और उसका समय व्यतीत हो जाएगा, लोग उसे विश्वास करके आराम करने देंगे। जो उसने काम नहीं किया है, जो उसने गलती की है, वो उसके छिप जाएगी। तो इस तरह से ये एक तरीके से बच्चों की नादानी के ऊपर आधारित कहानी है कि इस तरह की नादानियां करके कभी कभी बच्चे अपने माँ बाप को, विद्यालय के लोगों को, अपने बड़ों को, सबको परेशानी में डाल देते हैं। तो इस तरह की गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके माता पिता आपको कुछ समझाते हैं तो निश्चित है कि उसमें आपका भला है। अध्यापक अगर आपको कुछ समझाते हैं तो उसमें भी निश्चित है कि आपका भला है। तो आप अपने कार्य को अगर समय से कर लेंगे, नित्य प्रति परिश्रम करेंगे, तो इस तरह की आपको झूठ बोलने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। और ये कहानी बहुत बड़ी सीख है। कक्षा 6 के विद्यार्थियों की उम्र जो होती है, उसी उम्र के बालक को इसमें बताया गया है, तो ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी सीख है कि इस तरह की गलती कभी नहीं करनी चाहिए, माँ बाप से झूठ नहीं बोलना चाहिए। पढ़ाई से जी चुराने वाले बच्चे विभिन्न प्रकार के बहाने बनाना, कभी अध्यापक को झूठ बनाना, कभी खुद की चीज़ों को गुमा करके ये कहना कि ये खो गई है इसलिए नहीं कर पाए, कभी ऐसे ऐसे की तरह ही कोई नई बीमारी बता देना, तो ये एक तरीके की बहुत बड़ी कमी धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर आ जाती है। तो बालपन में अगर ऐसी कमियां व्यक्ति करने लगेगा तो जीवन में कभी सफलता की ओर नहीं बढ़ पाएगा। तो ये बहुत बड़ी सीख है। तो मैंने आपको वहां तक की कहानी पढ़ा दी थी, जब मोहन के पिता ने वैद्य को बुलाने के लिए फोन किया, वैद्य ने, डॉक्टर ने तमाम तरह की चीजें उससे उनसे पूछी कि क्या ऐसी ऐसी तकलीफ में ऐसे ऐसे हो रहा है, तो वो सब चीज़ें पूछते हैं कि क्या डॉक्टर साहब ने सब चीज़ें पूछ ली, सब बताया गया, बस पिता परेशान है कि बहुत तकलीफ है, नाश्ता फिर रहा है, ना तो उसे दस्त आई, ना पेशाब आया, ना कोई रंग में परिवर्तन है। तो आप कहें तो अब देख लेंगे, अच्छा जी जरा जल्दी आइए कह करके मोहन के पिता ने डॉक्टर को बुला लिया।
अच्छा जी, बड़ी कृपा है, फोन रख करके इतनी बातें फोन पर हो रही थी। डॉक्टर साहब चल दिए, 5 मिनट में वो आ जाते हैं वहाँ जहाँ मोहन बीमार पड़ा है। पड़ोस के लाला दीनानाथ भी जो व्यक्ति हैं वो भी अचानक आते हैं। मोहन जोर जोर से करा रहा है, रो रहा है, माँ ओ माँ माँ, परेशान है बिल्कुल। फिर उल्टियां करने के बहाना करता है, उल्टी आ रही है, नीचे झुकता है, मुंह से ओए ओए की आवाज निकालता है। माँ सिर पकड़ती है, 3-4 बार ओ ओ करता है उल्टी का, जैसे कि बहुत ज्यादा मिचली आ रही है, उल्टी आ रही है, इस तरह की थूकता है, लेटता है। यानी कुल मिलाकर दुनिया भर के बहाने करके 10-12 साल का बच्चा माता पिता को इस तरह से परेशान करे, ये एक अच्छी बात नहीं है। तो इस कहानी का जो सकारात्मक सोच है, इस नकारात्मक सोच को आप बिल्कुल किनारे करिए कि ऐसी गलती जिंदगी में दोबारा आपको नहीं करनी। माता पिता अगर आपको किसी बात के लिए डांटते हैं, समझाते हैं, पढ़ने लिखने पर दबाव डालते हैं तो वो आपका भला है। इस तरह के बहाने बनाकर, ऐसे ऐसे कहकर, डॉक्टर से विभिन्न प्रकार की दवाइयां लेना, बिना मतलब के उसको खाना, या आप किसी परेशानी में पड़ के दूसरों को भी परेशानी में डाल दें, आधी रात को आपके माता पिता दौड़ के डॉक्टर के पास जाएं और हैरान होकर उन्हें बुला के लाएं और आपने बहाना कर रखा हो, तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। माँ घबराती है कि इतनी उल्टी आ रही, पीठ सहलाती है, कमर सहलाती है और रोने जैसा मुँह लेके कि क्या हो गया, अभी दोपहर में तो बिल्कुल अच्छा भला चंगा था, अचानक क्या हो गया। माँ की समझ में बिल्कुल कुछ नहीं आता, कैसा पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला। अब वो दिन भर का नटखट बालक, दिन भर धमा चौकड़ी मचाने वाला बालक, जब इस तरह से लेट कर अचानक कराहता रहेगा तो माँ बाप को तो कष्ट होगा ही। उन्हें क्या पता कि 10-12 साल की उम्र का ये बालक इतने बड़े बहाने बना करके माता पिता को हैरान भी कर सकता है। वो तो अपने बच्चे को सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, तो उन्हें ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। और दीनानाथ जी भी उसी समय पहुंच जाते हैं, पूछ पड़ते हैं, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता था। तब उन्होंने भी सहमति दी, पड़ोसी तो ऐसे ही होते हैं कि आपके कष्ट में आकर के हाँ में हाँ मिलाएंगे, उन्हें भी क्या पता कि मोहन ने ऐसे ऐसे करके बहाने किए हैं। तो कहते हैं हाँ भाई, बच्चा तो बहुत चंचल था और कभी भी गांव घर अगल बगल चहल कदम करता हुआ बिल्कुल गुलजार किए रहता था, सबका मन बहलाए रहता था, इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। कहने का मतलब मोहन बिल्कुल चंचल बालकों में से था और पूरे मोहल्ले में हंसी मजाक खेल कूद किया रहता था, सभी लोग उससे खुश रहते थे। लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि मोहन इस तरह की हरकत भी कर सकता है। पिता कहते हैं बड़ा नटखट है माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। अब माँ ने अपने मन की बात जुबान पे लाके रख दी कि इतना भयानक बीमार हो गया है, क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा, इसका तो स्कूल भी छूट जाएगा, पढ़ाई लिखाई कैसे करेगा, बहुत कष्ट है। ये सारी चीजें करते हुए माँ बिल्कुल परेशान रहती है। माँ कहती है कल स्कूल अब कैसे जाएगा। अब दीनानाथ भी कहते जी हाँ, बड़ी तकलीफ है, तभी तो पढ़ा है, मामूली तकलीफ को तो ये कुछ समझता ही नहीं। अब सारे लोग ऐसे ही देखते आ रहे हैं और पर कोई डर नहीं है, मैं वैद्य जी से कह आया हूं, बिल्कुल वे आ ही रहे होंगे, ठीक कर देंगे। मोहन जब इतना सुनता है तो और तेजी तेजी कराहने लगता है।
बहुत जोर जोर से कराने लगता है। माँ घबरा जाती, क्या हुआ बेटा? माँ बाप ऐसे ही होते हैं, बच्चा अगर बहाने भी बनाया है, बच्चा थोड़ी सी तकलीफ करती है तो माँ की आंख में पहले आंसू आ जाता है। पिता एक बार दिल कड़ा करके कुछ अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, लेकिन माँ का दिल तो बहुत कमजोर होता है बच्चों के प्रति, तो उन्हें और कष्ट होता है। तो वो घबरा जाती हैं और कहती हैं, क्या हुआ बेटा? मोहन रुआसा सा बड़े जोर से, ऐसे ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे कह कह के वो माँ को बिल्कुल परेशान कर दिया है। माँ परेशान, कैसे बेटा, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, बताओ ना क्या हुआ है, कैसी तकलीफ लग रही है, क्या दिक्कत है तुम्हें? मोहन पेट दबा लेता है, जोर जोर से चिल्लाने लगे, बस ऐसे ऐसे हो रहा है, बस ऐसे ऐसे हो रहा है, पता नहीं कैसे हो रहा है। तभी डॉक्टर साहब आ जाते हैं और डॉक्टर साहब ने कहा है इसमें, और वो पूछ बैठते हैं, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? अभी इतना ही उन्होंने लड़के को संबोधित करते हुए कहा। सब लोग खड़े होते हैं, डॉक्टर साहब को प्रणाम करते हैं, वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी लगाकर बैठ जाते हैं। पिता बहुत बेचैनी से परेशान हो कहते, वैद्य जी शाम तक तो ठीक ठाक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते भी एकदम अचानक बोला कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, समझ नहीं आता कि कैसा दर्द है, क्या हुआ है। तो क्या करूं क्या ना करूं, वैद्य जी उसके पास बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अभी बता देता हूं, असल में बच्चा है ना, वास्तव में कहा जाए तो ये बच्चा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, नाड़ी दबाकर देखा, वात का प्रकोप है। वात का मतलब होता है शरीर में वायु का प्रकोप, यानी गैस की जो परेशानी होती है। और फिर वो कहते हैं कि बेटा जीभ दिखाओ, मोहन जीभ दिखाता है तो डॉक्टर कहता है कब्ज भी है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोल कर हूँ, पेट सफा नहीं, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है, क्यों बेटा? ऐसे ऐसे होता है। फिर उन्होंने डॉक्टर साहब ने अंदाजा लगाया कि गैस की प्रॉब्लम है, परेशानी वात रोग कहना चाहिए, वायु का प्रकोप है तो पेट में दर्द हो रहा होगा, कब्ज बनी होगी। तो तमाम चीजें ऐसे बताकर कहते हैं कि गैस बढ़ गई होगी और हाथ की उंगलियों को फैलाना, सिकोड़ना, बार बार मोहन ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, जी करा करा करके, चिल्ला चिल्ला करके, ओ ओ कर करके सारा घर सर पे उठा लेता है। डॉक्टर परेशान, माँ बाप परेशान, वैद्य जी परेशान कि ये कुछ बता नहीं पा रहा। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़े बड़ों को छका देती है। उन्होंने कहा घबराइए नहीं, कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, गैस बनी है और थोड़ी सी ही दवा देने पर ये ठीक हो जाएगी, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी, दीनानाथ जी आप ही पुड़िया ले लो मोहन की माँ से, और आधे आधे घंटे पे गर्म पानी से दे देनी है, दो तीन दस्त होंगे बस, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग, गधे के सिर से सींग भागना मतलब बिल्कुल दूर हो जाना, अचानक इस परेशानी से मुक्ति पा लेना। तो वो डॉक्टर ने इस तरह की बातें समझा के ये कह भी दिया कि वास्तव में
वात का प्रकोप है और जल्दी ठीक हो जाएगा, मैं थोड़ी सी दवा दे देता हूँ, थोड़ा पेट वेट साफ हो जाएगा और इसका रोग भी दूर हो जाएगा। तो उन्होंने एक मुहावरे का प्रयोग कर दिया, गधे के सिर से सींग, यानी बिल्कुल भला चंगा हो जाना। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं, मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं और पिताजी कहते हैं डॉक्टर से कि आपकी भेंट, मतलब घर आने की फीस, नोट देते हैं। वैद्य जी नोट ले लेते हैं। अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं? वैद्य जी ने बड़े प्रेम पूर्वक हमदर्दी जताई कि अरे इसकी क्या जरूरत है। प्रायः ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कि जब आपके घर में कोई मेहमान आया है, कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसे आप कुछ देना चाहें, तो नानुकुर करते हैं कि अरे भाई इसकी क्या जरूरत है, मैं तो आपका दोस्त ठहरा, मैं तो आपका मित्र ठहरा, मैं तो आपका पुत्रवत हूँ, ऐसे ऐसे तमाम तरह के संबंधों को जोड़कर इस चीज को दिखाना बताना। फिर डॉक्टर साहब पैसा ले लेते हैं और बदले में ये कह देते हैं अरे भाई इसकी क्या जरूरत है। और आप और हम एक ही हैं, अंदर के दरवाजे से जाते हैं तभी डॉक्टर का प्रवेश, तभी जिस डॉक्टर को पहले से बुलाया गया था वो आया और डॉक्टर बोलता है हेलो मोहन क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? अब डॉक्टर ने भी वैद्य जी ने पुड़िया उड़िया दे करके बीमारी को समझा समझा दिया कि वात का प्रकोप है, ठीक हो जाएगा, 2-1 दिन का समय लगेगा। फिर तभी डॉक्टर साहब भी पूछ चुके थे, वो भी आ जाते हैं और मोहन को लगता है कि वो बहुत तकलीफ में है तो वो और जोर जोर से कराने लगता है। डॉक्टर पास बैठते हैं, पिता परेशान डॉक्टर से कहता है कि समझ में नहीं आ रहा कि इसको क्या हुआ है। डॉक्टर उसका पेट दबाने लगते हैं, अभी देखता हूँ, जीभ दिखाओ बेटा, जीभ देखा, पेट दबा के देखा, हर प्रकार से उन्होंने बड़े व्यंग से कहा कि तो मिस्टर आपके पेट में कैसा होता है, ऐसे ऐसे। अब डॉक्टर की इस व्यंग भरी भाषा को देख करके मोहन बिल्कुल घबरा जाता है, कुछ नहीं बोल पाता, सिर्फ तराहने जैसा नाटक करता है, इस तरह से मुंह से आवाजें निकाल निकाल के वो कराता है। फिर माँ बताओ बेटा डॉक्टर साहब को समझा दो, माँ को तो ये लगता है कि मोहन जो कर रहा बिल्कुल सच कर रहा है, तो वो मोहन को समझाने लगती है कि बताओ बेटा जो जो कष्ट है आप डॉक्टर साहब को बता दो। जैसे हम सब लोगों में होता है कि अगर हम बच्चे को लेके डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और हम खुद बताने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को ये दिक्कत है, अगर बच्चा समझदार है, 10-12 साल का है तो, या बड़ा है तो, लेकिन डॉक्टर प्रायः कहते हैं कि मरीज को बोलने दीजिए, उसको जो कष्ट है उसे खुद बताने दीजिए, तो उससे वो उसकी सच्चाई और उसकी वास्तविकता को समझ लेते हैं। अब मोहन की माँ ने भी मोहन से कहा कि बताओ डॉक्टर साहब को सब समझा दो, बता दो। मोहन जी 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 ऐसे ऐसे, अब वो उसके तो हकलाहट शुरू हो गई क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। अब उस झूठ के चलते वो ये नहीं कह पाता है कि उसे कैसी अनुभूति होती है, बस यही कहता है कि उसे तो ऐसे ऐसे होता है, हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी खराब लग रही है, मोहन कहता है डॉक्टर साहब कि तबीयत बहुत खराब लग रही है, तबीयत में क्या हुआ है वो नहीं बता पाता, सिर्फ यही कहता है कि तबीयत तो बहुत खराब लग रही है। तबीयत की असली वजह तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मगर कहानी में अभी तक मोहन के लिए ये नहीं बताया गया कि मोहन की तबीयत खराब होने की असली वजह क्या है। तो इस तरह से एक झूठ की डोर में उसे बांधे हुए वो हर तरह से
डॉक्टर को परेशान करता है और डॉक्टर घबरा जाता है कि तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होके बोलता है, वह तो मैं देख रहा हूं, चेहरा भी पता लग रहा है, काफी दर्द भी है। असल में कई तरह से के दर्द आजकल चल पड़े हैं, कॉलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलते रहते हैं और बीमारी का असली पता लगाने की कोशिश करते हैं। माँ भी डर जाती है कि किस तरह का दर्द है, क्या हुआ है, और माँ घबरा जाती है, फोड़ा, क्या पेट में भी फोड़ा होता है। तो माँ ने डॉक्टर से ये जानना चाहा, वो फोड़ा शब्द सुनते ही घबरा जाती है और घबरा करके डॉक्टर की ओर मुंह करके पूछने लगती है। डॉक्टर कहता है कि जी नहीं, वह नहीं, बिल्कुल वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से जरा मुंह खोलना। अब डॉक्टर आते हैं तो यही करते हैं, पेट टटोलते हैं, मुंह खोलते हैं, थर्मामीटर लगाते हैं, आंखें देखते हैं, जीभ देखते हैं और उसके आधार पर उनको अनुमान लगाना पड़ता है। अगर उतने से भी नहीं पता चलता तो फिर वो डॉक्टर विभिन्न प्रकार के जांच लिख देते हैं। अगर वास्तविक बीमारी है तो निश्चित है उसमें पता चलेगा, अगर झूठ होगा तो उसमें कुछ नहीं निकलेगा। तो ऐसी स्थिति भी कभी कभी आती है। तो बच्चे को इस तरह से बहाने बनाकर घर भर को परेशान करना, डॉक्टर को परेशान करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मोहन की इस तरह की करतूत ये बच्चों के लिए एक सीख बननी चाहिए कि उन्हें इस तरीके से कभी भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और फिर वो डॉक्टर जीभ निकलवाता है, मुंह खोलता है, सब देखता है, कब्ज लगता है, बदहजमी लगती है, कोई बात नहीं, वो कहते कोई बात नहीं, मैं दवा भेज देता हूँ। और इस तरह से वो परेशान हो करके घबराने लगते हैं। घबराते हुए माता पिता को समझाते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं दवा भेजता हूँ, आप दवा दीजिए, पेट में अगर ऐंठन है तो कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कुछ खा पी लेने से, बदहजमी हो जाने से, पाचन क्रिया सही न होने से, तमाम तरह की इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, तो मैं दवा दूंगा और ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर चले जाते हैं इतना सब समझा बुझा कर। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं और माँ पूछती है कि क्या करूँ, शिकायत कर दूँ? अक्सर बच्चे जब पेट में दर्द की बात कहते हैं तो माता पिता पहले तो घर की चीज़ों को ही देखे। घर में माताएं अक्सर ऐसा करती हैं कि पेट को सेक देती हैं गर्म पानी की बॉटल से कि अगर किसी तरह से दर्द ऐसा हुआ तो ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर दूर से ही कहता, हाँ हाँ गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर चले जाते हैं, माँ बोतल उठाती है, पड़ोसन आ जाती हैं, सारे घर तो घर पड़ोस तक ये बात फैल गई थी कि मोहन को कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसके कारण वो ऐसे ऐसे करके चिल्ला रहा है। पड़ोसी ने भी परेशान, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? अब पड़ोसन आ जाती हैं, वो भी बड़ी घबराहट में रहती हैं, यहाँ तक कि घर तो घर पड़ोस भी परेशान हो गया। ये होता है बच्चों की नासमझी का नतीजा। एक छोटा सा 10 से 12 साल का बच्चा एक छोटे से झूठ को छिपाने के लिए इतनी बड़ी रचना रच लेता है, नाटक कर लेता है। उसे ये लगता है कि कल स्कूल जाऊंगा और स्कूल जा करके मैं कैसे कहूंगा कि मैंने स्कूल का काम नहीं किया है, या कैसे मैं अपने माता पिता को बताऊं कि मेरा स्कूल का काम नहीं हुआ, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। तो उस पर माता भी डांटेंगे, पिता भी डांटेंगे, तो माता पिता की इस गलती को वे ना बताने के डर से एक बड़ा बहाना बना लेते हैं
जिसके चलते घर भर परेशान, डॉक्टर वैद्य सब बुलाए जाते हैं, पड़ोस तक खबर चली जाती है। तो इस तरह की प्रक्रिया से एक तरीके का ये बहुत बड़ी बात है कि एक छोटे से बच्चे के मन में कार्य के प्रति ऐसी रुचि नहीं है तो वो बहाने बना करके अपनी गलती को छुपाता है। अगर ऐसी स्थिति में कभी कोई डॉक्टर कोई उल्टी सीधी दवा दे दे, आपको वो तकलीफ नहीं है और आपको वो दवा अपने सामने किसी ने खिला दी, फिर तो आपके झूठ का नतीजा कुछ भी हो सकता है। तो ये एक छोटी सी गलती कभी बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण भी बन जाती। माता पिता को कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने अपने स्कूल के काम को न करने के कारण इतना बड़ा बहाना बना लिया। ऐसी गलती भी वो कर सकता है। तो पड़ोसी ने भी हमदर्दी जताने चली आती है और पड़ोसी पूछ बैठती है कि क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ कहती, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता है, लोचा लोचा फिरे है, मतलब बिल्कुल परेशान परेशान होकर के इधर उधर नाचा फिर रहा है, जाने कौन सा दर्द है कि बस हर समय ऐसे ऐसे का दर्द, ये कौन सा दर्द है, एकदम लड़के का तो बुरा हाल हो गया है। एक और पड़ोसन अपनी हमदर्दी जता रही है, एक और माँ के दुख में शामिल होकर के माँ को ये लगता है कि बेटा बहुत तकलीफ में है, तो माँ भी कह देती है कि अरे लड़के का बिल्कुल बुरा हाल हो गया है। पड़ोसिन भी परेशान, उसने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ जमाना बहुत खराब है, आजकल खान पान भी बहुत खराब हो गया है, तमाम तरह के वातावरण में भी कमियां हैं, तो हो सकता है कि मोहन को कोई बड़ी बीमारी हो गई हो। अनुमान लगाने वाले बड़े अनुमान लगाते हैं, छोटी सी बात आप उन्हें बता दीजिए, पड़ोस में लोग अनुमान लगा लगा के बड़ी बीमारी भी तैयार कर देंगे और घर वालों को और अधिक घबराहट हो जाएगी। एक तो मोहन झूठ बोल ही रहा है, मोहन अपनी गलती को छिपाने के लिए इतनी बड़ी बात तो कह ही रहा है, पड़ोस वाले उसमें भी हमदर्दी जताने में कुछ बात को और बढ़ा चढ़ा देते हैं, तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। कहने के लिए एक बहुत छोटी सी घटना थी कि मोहन को स्कूल नहीं जाना है, मोहन ने स्कूल का काम नहीं किया है और इस छोटी सी बात को मोहन ने अपनी गलती से इतना बड़ा बना दिया कि माँ बाप के पास कोई और चारा नहीं है, पैसे रुपए का खर्चा, परेशानी का खर्चा, मानसिक तनाव, शारीरिक झंझट, बहुत तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं। तो आप भला सोचिए कि आप बच्चे हैं, अगर ऐसी गलती आप करें तो आपने अपने साथ साथ कितने लोगों को ऐसी परेशानी में डाल दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को इस तरह की गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो पड़ोसी ने कहा कि बात पर माँ ने कहा कि लड़के का बिल्कुल बुरा हाल है। पड़ोसी कहते हैं, ना जी इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना वो अभी कोई नया दर्द होगा, तभी तो बच्चा मारे दर्द के करा करा के ऐसे ऐसे कर रहा है, राम मारी बीमारियों ने तो तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आए हैं, वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। अब लोगों ने अपनी हमदर्दी जताने के लिए तमाम तरह के व्याख्यान दे देते हैं कि भाई आजकल तो तमाम तरह की बातें हो गई हैं, ना वो दिन रहा, ना वो खान पान रहा, ना अच्छा खाना मिलता है,
ना सेहत किसी की इतनी अच्छी होती है, कम उम्र में भी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, तो सब लोग अपने अपने सलाह उसमें देने लगते हैं। वास्तविकता पे अगर नजर डालें तो वास्तव में बीमारी कुछ नहीं है, एक बहाने की बीमारी है, लेकिन लोगों की सलाह सुनिएगा तो लंबी लंबी बातें सुना सुना के आपको और अधिक परेशानी में डाल देते हैं। हाँ हाँ, बढ़ चढ़ के बोलने वालों की संख्या समाज में कम नहीं होती, बहुत अधिक होती है, और वो उसी के नाते बढ़ चढ़ के अपनी बातों को रखने लगते हैं। पड़ोसी ने भी हमदर्दी के नाते, मित्रत्व व्यवहार दिखाने के नाते इस चीज को कभी नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं आपका बच्चा झूठ बोल रहा है, आप जरा किसी अच्छे डॉक्टर समझ लीजिए, कुछ नहीं हुआ इसको। वो कहेंगे अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी बीमारी है, इतना कष्ट है, अरे बच्चा कैसा सूख गया है, अरे बच्चे को कितनी तकलीफ है, मुंह तो देखो बच्चा करा रहा है, अरे इसको किसी भले डॉक्टर को तो दिखाओ। अरे भाई पैसे का मोह मत करो, पैसे तो आते जाते रहेंगे, किसी भले चंगे डॉक्टर के पास ले चलो। ऐसी ऐसी तमाम बातें सलाह देने वालों की लाइन लग जाएगी, और शायद उसमें से कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं निकलेगा कि ये कह दे कि भाई पहले पता लगा लो कि बच्चे ने कोई बहाना तो नहीं कर रखा है। और माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, उन्हें तो कष्ट हुआ तो हुए डर ही जाते हैं बच्चों के प्रति। तो इस तरीके से देखिए कि एक नन्हे से बच्चे ने सभी को कितनी परेशानियों में डाल दिया है, और मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप इस कहानी से एक अच्छी नई सीख तो अवश्य लेंगे कि आप अपने माँ बाप को कभी भी इस तरह की परेशानी में ना डालेंगे। अगर आपका काम किसी कारण से नहीं हुआ तो आप अपने माँ बाप से सच्चाई बताइए। पहली बात तो आपको निश्चित समय पर अपना काम खत्म करना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, अगर जीवन में इस तरह से अपने बहाने बनाएंगे तो सफलता कैसे मिलेगी, तो आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। और अगर आपसे गलती हुई, आपने अपना काम समय से नहीं किया और आप उस चीज को बहाने में करके घर भर को परेशान करना, डॉक्टर को परेशान करना, अड़ोस पड़ोस को दिखाना, हमदर्दी लूटना, और उस हमदर्दी के चलते अगर किसी परेशानी में आप पड़ गए तो आपके लिए भी बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप इस तरह की गलती कभी नहीं करेंगे, क्योंकि परिणाम अभी इसके आगे के वीडियो में आपको मैं सुनाऊंगी। तो इस वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ और कहानी के शेष अंश को लेकर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।